हेलो गाइस, हेलो। लखन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्निंग राइड पे जा रहे हैं एरो सिटी की तरफ, और हमारे साथ हमारे एक मित्र और ज्वाइन करने वाले हैं। चलो, और अभी देखते हैं, वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। और हमारी साइकिलें तैयार हैं। अभी वो आ जाए तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और ये इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, इनका नाम दिनेश कुमार है। हाय। और अब हम एरो सिटी की तरफ निकलते हैं। हमारा वैसे एक प्रोग्राम था, हमारे एक और मित्र हमारे को ज्वाइन करने वाले थे, पर दिनेश उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, उनको आगे आपको दिखाएंगे। कुछ कोई रीज़न रहा होगा, फिर देखते हैं, आगे मिलते हैं। लेट्स गो। ये हमारे स्ट्रीट डॉग आ गए हैं हमारे को देख के। इनको प्यार करना ज़रूरी है, बगैर प्यार करे ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक ही बार दबाया भाई। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, सागरपुर से, और ये शिव नारायण मंदिर। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज वैसे 15 अगस्त है, और आज रोड पे भीड़ ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, आज किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ प्रशासन उनके लिए भी बैरिगेट्स वगैरह लगा के रखेगा, तो हमने आज उधर का रूट नहीं किया है। वैसे आज हमारा जो प्लान था वो इंडिया गेट की तरफ जाने का था, तो वो कैंसिल करके आज हम द्वारका की तरफ, एरो सिटी की तरफ निकल रहे हैं। ये कैलाशपुरी चौक, आज जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगे होंगे, उनमें से एक ये भी है। आज फुल एंजॉय करते हुए 15 अगस्त की राइड का विद झंडे तिरंगे के साथ। और ये हम जाट धर्मशाला पालम के पास आ गए हैं, और हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। हम द्वारका की तरफ जा रहे हैं, बीच में मंगलापुरी आएगा। ओए, डॉगी भौंक रहा है पीछे। ये मंगलापुरी बस स्टैंड,
और सामने हमारे है पालम फ्लाईओवर, वो अभी पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा अभी। ये मंगलापुरी कॉलोनी है, ये एयरपोर्ट जहाँ पर बना है वहाँ पर पहले ये कॉलोनी थी, फिर रीसप्लाइज हुई है क्योंकि एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ज़मीन ली थी, तो उस ज़मीन के बदले इनको इधर प्लॉटिंग दी थी। और पुल के सामने की तरफ राजनगर है, पालम का पार्ट है। और राइट साइड में हम लोग द्वारका निकल जाते हैं और लेफ्ट में एयरपोर्ट की तरफ। तो अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और फ्लाईओवर को चढ़ेंगे। नहीं, रोक रहा हूँ बीच बीच में। हम पालम फ्लाईओवर के ऊपर हैं। आज बहुत सारे साइकिलिस्ट आज निकलेंगे क्योंकि एक तो छुट्टी भी है और डे भी ऐसा है कि निकलना चाहिए। ये बस स्टैंड बनाया हुआ है पुल के ऊपर, इसका नज़ारा आप देख रहे हैं। और बैरिकेड्स तो लगेंगे ही आज। आई थिंक एक्सीडेंट हो गया सामने। भैया कोई प्रॉब्लम हो गई क्या गाड़ी में? ठीक है, और ये हमारी फेवरेट जगह। यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक ही मकसद से आना बड़ा इम्प्रेस करता है। और यहाँ आके ऐसा लगता है कि लोग वास्तव में हेल्थ के प्रति
जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। यंग बंदे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब एक जगह एक्सरसाइज करते हैं। अरे दिनेश, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं और आई थिंक ये सारे पालम के ही हैं। पालम के होंगे कुछ, कैलाशपुरी, साधनगर के साइड के बंदे होंगे। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ जाता है ना एरिया, ये थोड़ा सा ओपन और सीधी सच्ची रोड है। बस ये चीज़ सही नहीं है, गायें वगैरह जो है मॉर्निंग में दूध निकाल के छोड़ देते हैं और इनको भी पता है, कुछ लोग पहली रोटी निकालते हैं इनको दे देते हैं, तो इनको पता है कि हमारे को वहाँ पर खाना मिलेगा, तो ये भी उधर की तरह मूव करती हैं। हमारे मित्र साइकिल को एंजॉय करते हुए हाथ छोड़ के चलाते हुए दिनेश साइकिल को एंजॉय कर रहे हैं, साइकिलिंग को।